अब देखो, तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया है, हाउस ऑफ द ड्रैगन देख लिया है और इस यूनिवर्स में इंटरेस्टेड हो एंड जानना चाहते हो किसके कितने बुक्स हैं, किस बुक पे कौन सी सीरीज बनी है, बेसिकली बुक्स को लेकर कंफ्यूज हो कि भाई पढ़ना स्टार्ट कहां से करें, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं यहां सारे बुक्स के बारे में आपको बता दूंगा, साथ ही इन बुक्स के जो लिंक है वो आपको पिंड कॉमेंट में भी मिल जाएंगे। इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर है या कह लो राइटर है जॉर्ज आर आर मार्टिन, जिन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी की शुरुआत की 1996 के अ गेम ऑफ थ्रोन्स बुक से। इसी बुक के टाइटल पे गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज का नाम रखा गया जो कि सब लोगों के बीच इतना पॉपुलर है। बट जॉर्ज आर आर मार्टिन ने इस पूरे स्टोरी को अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर बोला है। तो हाँ, 1996 में आ गेम ऑफ थ्रोन्स, उसके बाद 1998 में आ क्लैश ऑफ किंग्स, 2000 में आ स्टॉर्म ऑफ सॉर्ड्स, 2005 में आ फीस्ट ऑफ क्रोज एंड 2011 में अ डांस विद ड्रैगन्स। ये पांच बुक रिलीज हो चुके हैं जिसमें स्टोरी जो है वो जॉन स्नो की डेथ तक की है। हाँ, बुक में जॉन स्नो की डेथ तक ही स्टोरी है और सीरीज में ये इवेंट हमने सीजन 5 में देखा था, जिसके बाद शो के राइटर्स ने आगे की स्टोरी लिखी, विच मींस कि नोवेल अभी भी इनकम्प्लीट है एंड अभी दो बुक्स और आना बाकी हैं। द विंड्स ऑफ विंटर, जिसको अभी जॉर्ज आर आर मार्टिन लिख रहे हैं एंड इन प्रोग्रेस है, और उसके बाद है अ ड्रीम ऑफ स्प्रिंग, जिसका बस अभी टाइटल रिवील किया गया है। ये बुक कब आएगी, नो आइडिया। तो हाँ, यहाँ टोटल 7 बुक्स होने वाले हैं और इन 7 बुक की स्टोरी को अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर बोला जाता है, जिसमें स्टोरी एरिस टारगेरियन 2 या फिर मैट किंग कह लो, उसके डेथ से लेकर डेनेरिस टारगेरियन तक की दिखाई गई है। इस स्टोरी के बाद कुछ शॉर्ट स्टोरीज को रिलीज किया गया जिसको नोवेल नहीं, शॉर्ट स्टोरी होने के चलते नोवेला बोला जाता है। इसमें फर्स्ट बुक द हेज नाइट है जो कि 1998 में रिलीज की गई। इसमें स्टोरी एक हेज नाइट डंकन द टॉल एंड एक बच्चे एगॉन टारगेरियन 5 की थी, और इसलिए स्टोरी को टेल्स ऑफ डंक एंड एग के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये दोनों ही कैरेक्टर एक एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस जर्नी पे जाते हैं। आपको नहीं पता तो बता दूं कि हेज नाइट वो होता है जो कि किसी भी हाउस से एसोसिएट नहीं करता है, किसी भी किंगडम का पार्ट नहीं होता है, और वो एक फ्री नाइट है, मतलब कह सकते हो कि फ्रीलांसर है, जैसा मन किया वैसा काम किया। 2005 में इसी स्टोरी को आगे एक्सटेंड किया गया द सॉन सॉर्ड में एंड देन 2010 की द मिस्ट्री नाइट में। लेटर इन तीनों शॉर्ट स्टोरीज को एक साथ कलेक्ट करके 2015 में अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स के नाम से रिलीज किया गया, जिसको अब एक सीरीज में भी अडेप्ट किया जा रहा है। डंकन द टॉल का ये फर्स्ट लुक आपने फॉर श्योर देखा ही होगा। तो हाँ, इफ आपको पढ़ना है तो सिर्फ अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स पढ़ लेना, क्योंकि तीनों शॉर्ट स्टोरीज को मिलाकर ही वो लिखा गया है। वैसे इन तीनों शॉर्ट स्टोरीज के 3 ग्राफिक नोवेल भी अवेलेबल हैं, तो फोटोज देखकर आर्ट देखकर पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। वैसे जॉर्ज आर आर मार्टिन का इन शॉर्ट स्टोरीज को भी फर्दर और अच्छे से एक्सटेंड करने का प्लान है, जिसमें उन्होंने फ्यूचर के लिए द शी वुल्स ऑफ द विंटरफेल, द विलेज हीरो, द सेल सॉर्ड, द चैंपियन, द किंग्स गार्ड एंड दी लॉर्ड कमांडर नाम के बुक को प्लान कर रखा है। इसके बाद ये यूनिवर्स एक्सटेंड होता है टारगेरियन फैमिली हिस्ट्री के साथ, जहां 2013 में पहली बुक द प्रिंसेस एंड द क्वीन को रिलीज किया गया, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 170 साल पहले की स्टोरी है। यहां टारगेरियन सिविल वॉर को दिखाया गया बिटवीन रेनेरा एंड एलिसेंट। इसी स्टोरी को हम हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीरीज में देख रहे हैं। द ब्लैक्स वर्सेस द ग्रीन्स का कॉन्सेप्ट यही बुक से निकला था। यहाँ जहरिस टारगेरियन से लेकर एगॉन द थर्ड तक की स्टोरी है, और यही डांस ऑफ द ड्रैगन्स के भी इवेंट्स हुए हैं। 2014 में द रोग प्रिंस नाम की बुक भी रिलीज की गई, जिसमें डेमोन टारगेरियन की स्टोरी को कवर किया गया और वो सारे इवेंट्स फिल किए गए, जिससे कि टारगेरियन सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। एक तरह से ये जो बुक थी वो द प्रिंसेस एंड द क्वीन का प्रीक्वल हुआ। और फिर 2017 में द सन्स ऑफ ड्रैगन नाम से एक और बुक रिलीज किया गया, जो कि टारगेरियन हिस्ट्री को और पीछे लेकर जाती है, और हमें स्टोरी मिलती है एगॉन द कॉन्करर के दो बेटे एनिस एंड मेगोर की। लेटर इन्हीं तीनों बुक्स को मिलाकर इसमें कई सारे और डिटेल्स ऐड करके, कई इवेंट्स को और एलैबोरेट करके 2018 में फायर एंड ब्लड नाम की नोवेल को रिलीज किया गया। एंड सिंस इसमें पिछले तीनों स्टोरीज को और अच्छे से एलैबोरेट किया गया है, कई सारे डिटेल्स ऐड किए गए हैं, तो सिर्फ ये पढ़ना मोर देन इनफ होगा। इस बुक में एगॉन द कॉन्करर से लेकर एगॉन 3 तक की स्टोरी दी गई, और साथ ही डूम ऑफ वेलेरिया के कुछ इवेंट्स, एगॉन कॉन्क्वेस्ट, ये सब भी ऐड किया गया जो कि पिछले बुक से मिसिंग थे। इसकी स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी से 300 साल पहले स्टार्ट होती है, और कह सकते हो कि इसी बुक को मिड से हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीरीज में अडेप्ट किया गया है। वैसे हाँ, ये भी बता दूं कि इस बुक का भी वॉल्यूम 2 प्लान किया गया है, ये बुक भी खुद में कंप्लीट नहीं है। एगॉन 3 के बाद से लेकर मैट किंग एरिस तक की स्टोरी जो कि अभी मिसिंग है,
उसकी पूरी स्टोरी हमें अगले वॉल्यूम में देखने को मिलेगी, जिसके साथ ही टारगेरियन फैमिली की पूरी हिस्ट्री, पूरी की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। देना कुछ कंपेनियन बुक्स भी रिलीज किए गए हैं जो कि इस यूनिवर्स को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा आप एंजॉय करोगे। सबसे पहले तो द वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर, इस बुक में ही ओरिजिनली प्लान था कि इस पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री को यहाँ अकेले कवर कर लिया जाए, फ्रॉम डूम ऑफ वेलेरिया टू अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, बट लेटर इसमें कई सारे स्टोरीज को कट करके फायर एंड ब्लड में यूज किया गया। बट फिर भी इस बुक में इस यूनिवर्स से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपको किसी भी दूसरे बुक में नहीं मिलता। इससे आप इस यूनिवर्स का पूरा टाइमलाइन, फैमिली ट्री एंड हिस्ट्री इजीली समझ जाओगे। ऊपर से इसमें कई सारे आर्ट हैं, कई सारे इमेजेस ऐड किए गए हैं जो कि एक्सपीरियंस और बेटर बना देते हैं। देन एक और कंपेनियन बुक है द राइज ऑफ द ड्रैगन, जो कि रिसेंटली ही रिलीज किया गया है। बेसिकली ये फायर एंड ब्लडी है बट पूरी तरह से इलस्ट्रेटेड, मतलब यहाँ आपको कई सारे आर्ट्स, कई सारे फोटोज एंड इमेजेस भी मिलते हैं और इसे इनसाइक्लोपीडिया के फॉर्म में लिखा गया है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपेनियन बुक है द लैंड्स ऑफ आइस एंड फायर। टेक्निकली ये बुक नहीं है बल्कि इस यूनिवर्स के मैप्स का कलेक्शन है, जिसमें इन टोटल 12 मैप्स हैं। तो अगर पूरा कंक्लूजन दूं क्रोनोलॉजिकली, तो सबसे पहले आता है फायर एंड ब्लड। इसकी एक बुक रिलीज हो चुकी है एंड एक होना बाकी है, और इन दोनों बुक्स में एगॉन कॉन्क्वेस्ट से लेकर मैड किंग एरिस तक की स्टोरी होगी। बीच में एक बुक आ गई द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, जो कि तीन शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है नोवेल के फॉर्म में। इसमें एगॉन टारगेरियन 5 के बचपन की स्टोरी है। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, जो कि 7 बुक का कलेक्शन होगा और स्टोरी मैड किंग एरिस टारगेरियन के बाद से लेकर डेनेरिस टारगेरियन तक की होगी। तो हाँ, ये था गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन के सारे बुक्स का गाइड, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन। इन सब बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो मुझे मत बोलना। इफ मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और होमलैंडर का कैरेक्टर एनालिसिस देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।